ये कैफे सिर्फ अपने खाने के लिए यूनिक नहीं है बल्कि खाना बनाने वाले लोगों की वजह से भी यूनिक और स्पेशल है। दिस कैफे इज इंडिपेंडेंटली रन बाय सम अमेजिंग ब्लाइंड वुमेन। गाइस, वेलकम टू ब्लाइंड बेक कैफे। Blind Bake Cafe is an initiative by National Association for the Blind Delhi. Since its inception, it has been working towards the education and development of visually impaired people. अगर कोई ब्लाइंड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सपने नहीं देख सकते। जब आपके हौसले बुलंद हों तो कोई भी डिसेबिलिटी आपको लाइफ में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। And this is what I learned through my interactions with these brave women. कौन से एज तक आपको पूरा दिखता था? मैम 2012 तक मुझे सही दिखता था। अच्छा, तो फिर एकदम से कैसे होता? मेरा रेटिना खराब है मैम। तो उससे पहले आपको सब आता था? हाँ जी। पहले बस थोड़ा बहुत, जैसे कि चाय बना ली, मैक्रोनी बना ली मैगी, थोड़ा बहुत, वो भी डर डर के, मम्मी रहती थी ना सामने तभी बनाती थी, नहीं तो अकेले मैंने कभी नहीं बनाया। ये कैफे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के कैंपस में ही है। इट्स अ स्मॉल कोजी ओपन एयर कैफे जहाँ पर आप अपनी इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं। दे सर्व सम क्विक बाइट्स एंड बेकरी आइटम्स। Let's meet the founder director, Mrs. Shalini Khanna, and know more about the institution and the cafe. We started in 2002 for educated and uneducated both blind women. The whole purpose of training is employment here. So we thought, why don't we start, inviting other people also to come and eat from them so that they start getting confident enough to go and work somewhere. Jitni responsibility aap pe, mujh pe, या किसी भी साइटेड लड़की पे यूथ के बाद डाल दी जाती है घर में, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, थोड़ा बहुत काम तो हम घर में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ब्लाइंड गर्ल्स को नहीं दी जा रही होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में, एंड सो द फैमिली डज नॉट काउंट हर एज अ वूमन। व्हेन यू स्टे हियर एंड यू सी, शी कैन डू एवरीथिंग, शी कुक्स, एवरी गर्ल कुक्स। काम पे जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, वो सब करते हैं जो आप करते हैं, लेकिन सिर्फ एक टेक्निक, हाँ डेफिनेटली हम डिफरेंट यूज करते हैं उन्हें ट्रेन करने के लिए, उन्हें कॉन्फिडेंट करने के लिए कि करना तो है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्पेशली एबल लोगों की इन सोसाइटी और इन डिफरेंट प्रोफेशंस, बट दिस कैफे इज डेफिनेटली अ स्टेप फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन एंड दैट मेक्स माई हार्ट सो हैप्पी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मुझे यहाँ का खाना तो बड़ा पसंद आया, पर उससे भी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ के कैंपस में टाइम स्पेंड करके और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के बारे में जानकर। आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड आई शिल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कर्ली टेल्स। तब तक के लिए खाते रहो, खुश रहो और कर्ली टेल्स देखते रहो। थैंक यू सो मच।